भाई आज इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्नैपड्रैगन एडिशन लॉन्च हो चुका है। इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशंस और प्राइस पॉइंट हमारे सामने आ चुकी है। और भाई मैं आपको ये फ़ोन लेने से साफ साफ मना करना चाहूँगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, बकायदा मैं आपको देने वाला हूँ, प्राइस पॉइंट क्या है, इसके बदले में आप कौन सा फ़ोन देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो भाई देखिए, आज से 1.5 साल पहले जो सैमसंग S21 FE जो लॉन्च हुआ था, इस टाइम पर भाई अभी फ़ोन चल रहा है, सेम वही फ़ोन है, बस कल इसमें प्रोसेसर का चेंज कर दिया गया। ऑलरेडी अमेरिका में यूरोपियन कंट्रीज में स्नैपड्रैगन एडिशन ही लॉन्च हुआ था, बस उसी को बाहर से ला के इंडिया में ये फेंक दे रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है, देखिए अगर सैमसंग के जितने भी फोन्स होते थे इंडियन मार्केट में एग्जीनोस के प्रोसेसर के साथ में आते थे, और सेम वही फोन यूरोपियन कंट्रीज में हमें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में देखने को मिल जाता था। तो ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ। देखिए सैमसंग का जो घर की खेती वो एग्जीनोस है, ठीक है, अगर एग्जीनोस का प्रोसेसर यूज करते हैं तो उन्हें कम कॉस्ट पड़ता था, बट वही फोन अगर एग्जीनोस के साथ में अगर वो यूरोपियन कंट्रीज में लॉन्च करते थे तो स्नैपड्रैगन वालों ने रॉयल्टी लेके रखी थी मल्टीपल बैंड्स की, तो भाई वहाँ पे मल्टीपल सेंड को पैसा देना पड़ता, और जो इनका मेन मोटिव था हमें कम कॉस्ट लगे, इसके बदले में ज़्यादा कॉस्ट लग जा रहा था। इसके लिए भाई जितने भी फोन्स आते हैं, S21 हुआ, फिर S20 हुआ, S22 हुआ, ये सब जितने भी फोन्स आते थे बाहर कंट्रीज में स्नैपड्रैगन के फोन के साथ जाते थे प्रोसेसर के साथ में, और वही इंडियन मार्केट में हमें एग्जीनोस के प्रोसेसर के साथ में देखने को मिल जाता था। तो इसमें चेंजेस हालांकि कुछ है भी नहीं, जो अमेरिका वाला फोन था, यूरोपियन कंट्रीज वाला S21 FE था, बस उसे इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। और भाई इसकी जो प्राइसिंग रखी गई वो 50,000 रुपये रखी गई है, मतलब 50,000 रुपये। हालांकि थोड़ी स्पेक्स पे चर्चा की जाए तो यहाँ पे हमें 6.4 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, HDR10 का सपोर्ट, वाइडमैन 11 सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5 की रैम टाइप देखने को मिल जाता है, और जो एग्जीनोस वाला था वहाँ पे हमें एग्जीनोस 2100 देखने को मिल जा रहा था। कैमरा वही बैक में 12 MP का ट्रिपल कैमरा, 12 मेन 12 अल्ट्रा, यहाँ पे हमें 8MP की टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाती है, 32MP की सेल्फी, 4500mAh की बैटरी, 25W का चार्जर सपोर्ट करता है, चार्जर डब्बे में नहीं है, एंड्रॉयड 13 देखने को मिल जाता है, UI 5.0 पे इस टाइम पे ये रन कर रहे हैं। सेंसर्स की बात करें, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट, डुअल स्टोरेज स्पीकर, यहाँ पे हमें कोई भी 3.5 इंच वाला गड्ढा देखने को नहीं मिलता है। क्वालिटी डिजाइन की बात करें तो सेम डिजाइन सेम है, प्लास्टिक का बैक देखने को मिल जाता है, साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का दिए गए, डिजाइन लैंग्वेज ठीक ठाक है, हाँ भाई प्लास्टिक का बैक दे रहे हैं पर ठीक ठाक है डिजाइन लैंग्वेज। तो स्पेक्स यही थी जो अभी तक आप सुनते हुए आ रहे थे, सेम स्पेक्स, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। हालांकि इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज साथ में, जिसकी प्राइसिंग हमें 50,000 रुपये देखने को मिल जाती है। भाई आप खुद ही गौर कीजिए, अभी कुछ दिन पहले IQOO Neo 7 Pro लॉन्च हुआ, जो 35,000 की प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 दे रहा है, 40,000 में 1 प्लस दे रहा है, और भाई 50,000 में स्नैपड्रैगन 888 प्रोवाइड कर रहा है। भाई इसकी जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए तो लगभग 35,000 होती, अगर 35,000 होती ना तो भाई तब पर भी ये भाई वन ऑफ द बेस्ट फोन हो जाता, जिसको सैमसंग का फोन जैसा आग मूंद के ये फोन परचेस कर सकता था। बट भाई 50,000 में, अभी कुछ दिन बाद सेल आएगी, 50,000 में iPhone 13 Pro ये सब भाई मिल जाएगा। 13 तो मिलना फिक्स ही है, प्रो नहीं मिले ना मिले, 13 तो 100% फिक्स है कि हमें 50,000 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। क्या पता भाई S22 सीरीज भी हमें मिल सकता है फ्लिपकार्ट की BBD सेल में। तो भाई ये फोन लेने की जरूरत क्या, भाई 50,000 में बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। स्नैपड्रैगन 888 वाला रियलमी GT2, वहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलता 25,000 की प्राइस रेंज में भाई, तो ये सीधा डायरेक्ट डबल ले रहे हैं। सैमसंग की ब्रांड वैल्यू है, सैमसंग की सिक्योरिटी है, सैमसंग का फोन है, तो 35 तक लेते तो हम झेल लेते, बट भाई 50,000 सचमुच में ओवर प्राइस्ड है भाई। 50,000 में तो भाई आपको ये फोन जरा सा भी बाय करने की जरूरत नहीं है, 50,000 आपका बजट है। अक्टूबर नवंबर के महीने में दिवाली के टाइम पे फ्लिपकार्ट की BBD सेल आएगी, उस टाइम पे भाई फोन बाय कीजिएगा, आईफोन 13 मिल सकता है या सैमसंग की S22 सीरीज मिल जाएगी, बट भाई ये फोन आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये फोन ओवर प्राइज्ड है। एक ओवर प्राइज्ड होता है, ये महा ओवर प्राइज्ड भाई ये फोन निकल के आया हुआ है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।